नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। जिका से डरी दुनिया, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा। डेंगू की तरह मच्छरों के माध्यम से फैलने वाले जिका वायरस के भयावह रूप से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी। WHO के महानिदेशक मार्गरेट चान ने कहा कि ये वायरस अनेकों देशों में खतरनाक रूप से फैल रहा है और इसकी रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर कोशिशें करनी होगी। जिका वायरस का सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है और इसे अजन्मे बच्चों के लिए महामारी के रूप में देखा जा रहा है। इस वायरस की वजह से भ्रूण में ही मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। गर्भवती होते ही बता दो शिशु का लिंग, मेनका गांधी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि लिंग जांच को अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि कन्या भ्रूण वाली गर्भवती महिला का ध्यान रखा जा सके और इस तरह कन्या भ्रूण हत्या रोकी जा सकेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये उनके निजी विचार हैं और इस पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार जांच में ये तय हो जाए कि बच्चा लड़का है या लड़की, उसकी निगरानी रखना आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गैर कानूनी रूप से अल्ट्रासाउंड कराने वाले लोगों को हम हमेशा पकड़ नहीं सकते। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना इस समस्या का स्थायी हल नहीं है। मोदी सरकार ने मनरेगा को सराहा। UPA सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के 10 साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने इसकी जमकर तारीफ की। मोदी सरकार ने इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि एक दशक की इसकी उपलब्धि राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का विषय है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार मनरेगा का मखौल उड़ाते हुए कहा था कि ये पिछले 60 सालों में गरीबी नहीं मिटा पाई कांग्रेस की नाकामी का जीता जागता स्मारक है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, यदि कोई कुछ अच्छी बात कहता है तो इसकी तारीफ करने की जरूरत है। ये दिखाता है कि इस अहम कानून से कैसे ग्रामीण गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने का काम किया गया।